हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अमेज़न पे का एक नया ऑफ़र आया हुआ है, चलिए उसको बात कर लेते हैं। यूपीआई ऑफ़र है तो इसको हम सबसे पहले हम तो अमेज़न पे का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर ही बैनर में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा अमेज़न पे, जस्ट लॉन्च पे विथ अमेज़न पे यूपीआई एंड गेट 25% बैक अप टू 50। यानी अगर 100 रुपये इसमें आप खर्च करते हो तो आपको जो है 25 रुपये मिलेंगे, और 200 खर्च करोगे तो पूरा का पूरा 50 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे, और 200 से ज़्यादा का भी खर्च करोगे तो आपको बस 50 ही मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इससे अर्न कर सकते हैं, तो इसका जो है आपका फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन होना चाहिए अमेज़न पे के द्वारा। इससे पहले आपने कोई ट्रांजेक्शन ना किया हो, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है रिचार्ज में यूज कर सकते हैं, चाहे वो डीटीएच हो या फिर मोबाइल हो, या फिर शॉपिंग में भी कर सकते हैं, या फिर लोड मनी में भी इसको अर्न कर सकते हैं। तो जो है मैं अब एक और बात बता देता हूँ, ये जो है आपको जो ट्रांजेक्शन का ऑफ़र है ये 2 मार्च से शुरू हुआ है और 8 मार्च तक चलेगा। कैशबैक लगभग 10 दिन के अंदर आपके जो है अकाउंट में आ जाएगा अमेज़न पे वाले में। तो चलिए मैं एक एक करके तीनों का दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल्स है, तो रिचार्ज में कैसे होगा और बाकी जो है शॉपिंग में कैसे होगा और लोड मनी में कैसे इसको करेंगे, तो दोस्तों मैं शॉपिंग से दिखा देता हूँ। जैसे शॉपिंग में यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक 2 प्रोडक्ट है, इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे 256 रुपये का ये हो चुका है, तो इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पे अपना एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिलीवर कर देना है, फिर आपको जो है डिलीवरी स्पीड के लिए जो आएगा उसको कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मास्टर कार्ड या फिर भीम UPI या फिर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड ATM कार्ड भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो अमेज़न पे UPI भीम UPI का है, इसको आपको सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है अमेज़न पे UPI भीम UPI वाला। आपको ये वाला भीम UPI यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला अमेज़न पे का जो है इसको यूज करना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। सिंपली कंटिन्यू करने के बाद यहाँ जो है आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद देखिए क्या होता है, ये जो आपका UPI है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं रीडायरेक्ट हो रहा है, पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है। तो इसको हम वेट करेंगे थोड़ा देर, और यहाँ पे देखिए 220 रुपये का UPI का मेरा ट्रांजेक्शन कहा गया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना पासवर्ड डाल के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वो करना नहीं है। फिर से मैं अभी दिखा देता हूँ कि आप इसको जो है रिचार्ज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे नीचे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स पे चले जाना है। यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे एक नॉन जियो है और एक जियो है, तो यहाँ पे जैसे मैं नॉन जियो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, सर्कल सेलेक्ट करना है और प्लान जो है अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी 1 मिनट में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे अब कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन फिर से आ जाएगा। यहाँ भी आपको फिर सेम वही ऑप्शन करना है, भीम UPI अमेज़न पे UPI का, और इसको सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करके फिर से जो है अपना UPI पासवर्ड डालेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें लोड मनी कैसे होगा, तो लोड मनी भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लोड मनी का सेलेक्ट कर लेना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपने कभी UPI को ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो यहाँ 200 रुपये हम डाल देते हैं, क्योंकि 200 रुपये डालेंगे तब हमें 50 रुपये का कैशबैक पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने 200 रुपये डाल के इसको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है सबसे नीचे वाला, यहाँ पे अदर सेव्ड कार्ड या पेमेंट मेथड प्रोमो कोड, और कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास फिर से एक नया पेज आएगा, यहाँ पे और सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे भीम UPI एयरटेल जो पेमेंट्स बैंक है उससे मैंने लिंक किया हुआ है, यहाँ पे अमेज़न वाला, इसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे हमें अपना बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट करके यूज़ दिस एड्रेस कर देना है, और यूज़ दिस एड्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे लास्ट में जो है ऐड मनी टू बैलेंस। तो यहाँ पे ऐड मनी टू बैलेंस करेंगे तो देखिए हमें फिर से UPI की तरफ लेके जाएगा,
यहाँ पे हमें बस अपना पासवर्ड फिर से डाल देना और जो है अपना लोड हो जाएगा मनी। तो इस तरह से आप भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए थैंक यू।